हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आजकल जो स्टाइलिश फॉन्ट यूट्यूबर लोग लगाते हैं, बाकी इंस्टाग्राम में, व्हाट्सअप, फेसबुक में एट्रैक्टिव जो टेक्स्ट लगाते हैं, वो फॉन्ट आते कहाँ से हैं, ये लोग डाउनलोड कैसे करते हैं, उसके बाद ये लोग पिक्सल लैब में यूज़ कैसे करते हैं, ये लोग बनाते कैसे हैं एट्रैक्टिव, तो दोस्तों यही सब हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, सिंपल टू स्टेप है। सबसे पहले आपको मैं फॉन्ट डाउनलोड करना सिखाऊंगा, उसके बाद आपको पिक्सल लैब में यूज़ करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूँ फरहान राय, आप देख रहे हैं रूबी टेक ज्ञान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन में आ चुके हैं। तो दोस्तों, अपने मोबाइल का कोई भी एक ब्राउज़र यूज़ करना है तो चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करता हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ सबसे ऊपर आपको राइट साइड में 3 डॉट दिख रहा है, तो यहाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। तो चलिए मैं डेस्कटॉप साइट कर लिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है devfont.com। जैसे कि मैंने devfont.com लिया, उसके बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको जो पहला वाला ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा साइड, इनको आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो देखिए दोस्तों, यहाँ हजारों लाखों में आपको फॉन्ट मिल जाएंगे। ओह माय गॉड, वाओ! दोस्तों, यहाँ अलग अलग कैटेगरी में फॉन्ट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ फैंसी में है, उसके बाद फोरेजिन लुक में है, टेक्नो में है, बिट मैप में है, गोथिक में है, बेसिक में, जो भी आपको डाउनलोड करना हो यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आप एक को डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ गोथिक के अंदर मैं मॉडर्न को क्लिक करता हूँ। तो मॉडर्न में बहुत सारे जो फॉन्ट हैं आ चुके हैं, तो यहाँ आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ जैसे कि यहाँ डाउनलोड करने का एक ऑप्शन है, तो चलिए मैं यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे कि फाइनली यहाँ मेरा डाउनलोड हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पिक्सल लैब में कैसे फ़ोन को यूज करते हैं। दोस्तों, पिक्सल लैब में आपको फ़ोन यूज करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाना है, जो आप डाउनलोड करके रखे हैं फ़ोन को। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ। तो चलिए मैं यहाँ डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए दोस्तों, ये अभी जिप फाइल में है, तो चलिए मैं इनको जिप से हटा देता हूँ। तो यहाँ मुझे क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन मिलेगा, तो चलिए मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट टू डाउनलोड। तो चलिए मैं इनका कुछ नाम रख देता हूँ, न्यू फॉन्ट जैसा मैंने इसका नाम रख दिया। तो चलिए मैं इनको क्लिक कर देता हूँ। तो ये फाइनली एक्सट्रैक्ट सक्सेसफुली हो गया है। तो चलिए अब मैं पिक्सल लैब में लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पिक्सल लैब में आ चुके हैं। तो यहाँ आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ आपको फॉन्ट में जाना है। जैसे कि यहाँ फॉन्ट है, यहाँ फॉन्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ आपको जाना है माई फॉन्ट में। तो यहाँ फाइनली अभी मेरे 3-4 जो है वो डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको एक जो अभी डाउनलोड करके रखा हूँ, चलो इनको मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ टी साइज का एक फाइल जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आप जहाँ भी डाउनलोड करके रखे हैं वहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ मेरा डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, तो चलिए मैं यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। आपका जो भी यहाँ डाउनलोड करके रखे थे वहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं न्यू फोन में क्लिक किया, उसके बाद सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद एड सेलेक्ट में क्लिक करूँगा, और फाइनली ये मेरा आ चुका है। तो चलिए मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज़ होता है। जैसे कि मैं कुछ लिख देता हूँ, फरहान राय लिख दिया। तो चलिए मैं फॉन्ट में लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं फॉन्ट में गया जो अभी मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ, तो इनको मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ ओके मार देता हूँ। तो फाइनली देखिए दोस्तों, ये फॉन्ट ऑटोमेटिकली यूज़ हो चुके हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।